गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बेटा जी, मैं आपका मयंक सर आज इस NCERT बायोलॉजी बूस्टर डोज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। बच्चों, इस पूरे सेशन में हम जो अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स का मतलब 12th NCERT का फिफ्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा जी, मैं अगर बात करूं नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट। इस फिफ्थ चैप्टर से और जो अपना सेवंथ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों चैप्टर से बेटा जी मिला करके 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक सुना आपने, मोर देन 10 क्वेश्चन नीट के हर एग्जाम में इन दो चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो काफी अच्छा वेटेज है बेटा जी इन दोनों चैप्टर्स का। बच्चों की, फ्यूचर डॉक्टर्स की काफी दिनों से डिमांड भी थी कि सर इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड आप कुछ वीडियोस बनाएं। तो उसी सीक्वेंस में बेटा जी, उसी सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन और कुछ बेटा जी NCERT एक्सरसाइज में दिए हुए अच्छे क्वेश्चन। अच्छे ऐसे, क्योंकि हम इन जनरल NCERT के जो पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा जी, हम उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उनको सॉल्व नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, हूबहू। तो बने रहे आप इस सीरीज में मेरे साथ, और मेरा बेटा जी पूरा एफर्ट होगा कि बायोलॉजी में जो भी कठिनाइयां, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए आती है, आप लोगों के सामने आती है, उसको अपन सब मिलकर उसको सॉल्व करें। तो स्टार्ट करें बेटा जी। बोर्ड के मेरे पीछे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं नीट 2020 का क्वेश्चन। हाँ, इस सीरीज में अपन नीट 2020, 2021 और 2022 के क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं। उसके अलावा कुछ अच्छे NCERT बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल चलें, लेट्स स्टार्ट बेटा जी। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स, एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर। बिल्कुल बच्चों, NCERT का ही क्वेश्चन है ये, NCERT की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सर NCERT में आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा जी, तो मैं कहूं आपको NCERT में अपना पेज नंबर 70, NCERT का पेज नंबर 70, वहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और इससे रिलेटेड बेटा जी अपन दो तीन बातें और भी डिस्कस कर लें, क्योंकि इससे कनेक्टेड एक दो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताया बच्चों, मेंडल जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जब पी पर, गार्डन पी पर जब एक्सपेरिमेंट किए, तो अपने को पता है कितने पेयर कैरेक्टर लिए, कितने ट्रेट उन्होंने इस्तेमाल किए, कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज उन्होंने काम में ली। तो बहुत सारे बच्चों को इन वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है कि सर कैरेक्टर पूछ ले तो हम क्या आंसर दें, पी प्लांट वेराइटीज जैसे यहां पूछ ली तो हमारा आंसर क्या हो, ट्रेट अगर वर्ड आ गया तो हम कैसे उसको सोल्व करें। मैं तीनों वर्ड्स को बेटा जी एकदम इजीली आप लोगों के लिए क्लियर करता हूं। तो पहले अपन समझते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है कि भाई कैरेक्टर, अब कैरेक्टर को बच्चों आप ऐसे समझो, कैरेक्टर का मतलब होता है, वैसे तो अपन लक्षण बोल देते हैं। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा जी सेवन कैरेक्टर काम में लिए थे। कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर मैंने लिया बेटा जी पी प्लांट की हाइट का, अगर मैं हाइट लिखता हूं, प्लांट की हाइट लिखता हूं, स्टेम हाइट लिखता हूं, तो वो क्या है, उसका कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के बेटा जी, अब प्लांट की हाइट या तो टॉल हो सकती है या तो ड्वार्फ हो सकती है। बिल्कुल सर, टॉल या तो ड्वार्फ, या तो मटर का पौधा लंबा हो सकता है या तो बोना हो सकता है। तो बेटा जी, जो टॉल एंड ड्वार्फ है, ये इसके दो क्या कहलाए। बिल्कुल आपके भेजे में सही वर्ड आ रहा है, ये दो इसके क्या कहलाए, ट्रेट कहलाए। हाँ, हिंदी वर्ड भी विशेषक, ट्रेट बोलूंगा मैं इनको। तो प्लांट की हाइट क्या है, कैरेक्टर है गुरुजी, और ये दो उनके क्या है, ट्रेट है। तो इन सिंपल टर्म्स में आपसे पूछूं, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट हुए, दो हुए सर। ऐसे ही एक और कैरेक्टर ले लो, फ्लावर का कलर,
तो मेंडल भाई साहब ने जो फ्लावर के कलर यूज किए थे बेटा जी, या तो फ्लावर पिंक नहीं, या तो व्हाइट था, या तो वायलेट था, या तो बैंगनी था, या तो सफेद था। तो फ्लावर का कलर तो क्या है, कैरेक्टर है, वो वायलेट हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है, ये उसके क्या है, ट्रेट है। अरे याद करो, सीड की शेप, बीज की आकृति, तो सीड की शेप तो उसका क्या है, कैरेक्टर है। या तो सीड राउंड हो सकता है, या तो रिंकल हो सकता है, गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है, ये दोनों उसके क्या हो गए सर, ट्रेट हो गए। तो बात बच्चों भेजे में घुसी। तो मैं बोलूं कि मेंडल ने, ये भी क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने कैरेक्टर काम में लिए सर, 7 की 7 पेयर्ड, 7 कैरेक्टर तो 7 थे, ट्रेट कितने काम में लिए सोचो, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट बता रहा हूं मैं, 2, तो 7 कैरेक्टर थे तो ट्रेट कितने हो गए, 7 पेयर्ड या 14। क्लियर है ना अभी टर्म्स, कैरेक्टर पूछे तो 7, ट्रेट पूछे तो 7 पेयर्ड। ठीक है बच्चों, अब यहां आपसे क्या पूछा इसने, क्वेश्चन में आया था ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। अब समझो ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल ने जो भी पेरेंट्स क्रॉस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा जी यूज किए थे, वो अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर थे। प्योर का मतलब, जब इन्होंने टोल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ से कराया था बेटा जी, तो टोल में वो कैपिटल टी था। सर इसमें क्या नई बात है, अरे बच्चों मैं लिख दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट कैसा है सर, ये भी टोल है। तो क्या मेंडल ने इनको पेरेंट्स बनाया था, नहीं, ये इम्प्योर टोल है, हेटेरोजाइगस है। ये बेटा जी कैसा है, प्योर है, प्योर को मैं क्या कहूंगा, होमोजाइगस। इन पेरेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था कैसे, सेल्फिंग करवा के, प्योर लाइन, कई जनरेशन तक उन्होंने सेम के बीच में बेटा जी ऐसे क्रॉस करवाया, सेम के बीच में। तो आफ्टर मेनी जनरेशन जो प्लांट उनके पास आए, वो अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर थे। यही प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग, ये सेम वर्ड आपको मिलेगा बच्चों जब अपन इसी 12th NCERT का 9th चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग वाला पोर्शन। वहां दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। हर बार उस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या पूछा आपसे, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, तो कितने टोल की बात करूं, एक टोल, दूसरा ड्वार्फ, ऐसे ही उन्होंने ड्वार्फ को तैयार कर लिया बेटा जी, स्मॉल टी का क्रॉस, स्मॉल टी से कई जनरेशन तक यही क्रॉस करवाया। तो अब जो उनके पास प्रोजेनी आई, वो अपने करेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर थी, यही प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है। तो कितने हुए, एक ट्रू ब्रीडिंग टोल, दूसरा ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, दो वैरायटी होगी ना, एक टोल और दूसरा ड्वार्फ। तो कितने कैरेक्टर थे, 7, तो हर कैरेक्टर के ट्रेट कितने सर, 2, तो वैरायटी भी कितनी, 2, टोल ड्वार्फ, वैसे सीड की शेप में बेटा जी राउंड और रिंकल, वो दो उनकी क्या हो गई, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। वैसे तो ये क्वेश्चन देख के आपको आंसर लग ही जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज होने वाला ऑप्शन ही नहीं है। कंफ्यूज तो हम तब होते जब एक ऑप्शन आपको 7 दिखता और दूसरा ऑप्शन एक 14 भी दिखता। अब 7 तो कहीं है ही नहीं बच्चों, 8, 2, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या गया, 14 गया। मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज यूज की थी, 14। चलो मैं तीनों चीजें फिर से पूछूं आपसे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर यूज किए थे, 7, कितने ट्रेट काम में लिए थे, 7 पेयर्ड, कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को इस्तेमाल किया था, बिल्कुल 40, नहीं है कोई डाउट। चलें, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, ये लो सीधा सा ही क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है, दो बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी, नीट 2021 का क्वेश्चन, बिल्कुल NCERT का ही है, अगले पेज पर, वो 70 नंबर पेज पे मिल जाएगा, ये आपको पेज नंबर 71 पे मिल जाएगा। मैं इंग्लिश NCERT की बात कर रहा हूं। क्या पूछा आपसे, द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स गैमिट बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called, हिंदी में भी देख सकते हो, अपने देखा बेटा जी, जब अपन ये मटर वाला क्रॉस करवाते हैं, F1 जनरेशन में ये आया, इसका सेल्फिंग करवाया, तो जो आपके पास जाइगोट बने, उन जाइगोट को आप ऐसे से डब्बों में भरते हो ना, डब्बे, हाँ, बॉक्स, हमने लिखा कैपिटल टी, ये जो वाले हैं, ये 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 यही बॉक्स, इन्हीं बॉक्स को क्या बोला जाएगा, बताओ आप ही। ये जो बॉक्स वाली मेथड थी, देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रेजिनाल्ड सी पुनेट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। सर क्यों बता रहे हो? अरे भैया एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछ लेगा अगला आपसे, ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट। तुम साइंटिस्ट के नाम पर ही बेटा जी, इन बॉक्स को क्या बोल दिया गया? पुनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड बोल दो ना आप, चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर गलत है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा गया है, पुनेट स्क्वायर, क्लियर? तो बॉक्स अपन ने बनाए, ये पुनेट स्क्वायर गलत है। यहां मैं बच्चों आपको एक छोटी सी बात यह भी बता दूं, लगभग हर साल नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम से या उनके कंट्रीब्यूशन से या उनसे रिलेटेड किसी ईयर से पूछ लिया जाता है। तो और स्पेशली वो जो साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो इन्हीं दो चैप्टर्स में से जनरली पूछते हैं। कौन से इन्हीं दो? फिफ्थ चैप्टर और इसके आगे वाला सिक्स्थ चैप्टर। तो मैंने बच्चों उन सारे साइंटिस्ट के नेम का एक अलग से वीडियो बना रखा है, अपन ने उसमें ये लिख रखा है नेम, साइंटिस्ट नेम एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पूरा फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में जो जो साइंटिस्ट है एनसीईआरटी के वो सारे और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी अपन ने उस लेक्चर में इजिली समझा है। एक क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। चले आगे, ठीक है, पुनेट स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड ये है, इसी साल नीट 2022 का क्वेश्चन इस साल पूछा था। इस बार ऐसे काफी स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए थे, एम्स में पूछे जाते हैं, दो स्टेटमेंट दे दिए, एजर्सन रीजन दे दिया, आपसे अगला पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा फॉल्स है, वो सारी बातें देखो क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट, मेंडल स्टडी सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ये लो वही ट्रेट कैरेक्टर पी प्लांट वेराइटीज, देख लो मेंडल ने बेटा जी सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मेंडल ने सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को यूज किया था बेटा जी? अब तो आप ही बताओ ट्रेट कितने थे? बिल्कुल सेवन पेयर्ड थे, 14 थे, तो बात सही होगी ना, कितने ट्रेट इस्तेमाल किए थे? सेवन पेयर, सेवन पेयर, क्लियर। मैं करेक्टर बोलूं तो गुरुजी साथ, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी बोलूं तो 14, ठीक है, तो सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने इस्तेमाल किए और बेटा जी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, वंशागति के नियम दिए थे। अरे वही नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हाँ वही सब। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो बच्चों, सेवन कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप। अब इसने भी दे दिया कि मेंडल ने जो सात कैरेक्टर काम में लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में वो कौन कौन से थे, आप ही बता दो, प्लांट की हाइट थी सर, फ्लावर कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, सीड शेप थी, सीड का कलर था, पोड की शेप थी, पोड का कलर था, याद है ना सेवन? तो आपको बस तो देख लो वो है क्या, सीड शेप था बिल्कुल राउंड और रिंकल, सीड का कलर भी था ग्रीन एंड येलो, फ्लावर कलर था बिल्कुल वायलेट एंड व्हाइट फूल का रंग, पोड की शेप भी थी फूली हुई पिचकी हुई थी सर, पोड का कलर भी था ग्रीन येलो, बट यहां ग्रीन डोमिनेंट है और सीड में येलो डोमिनेंट है, हाँ, फ्लावर की पोजीशन भी थी एक्सियल और टर्मिनल, और स्टेम की हाइट थी, स्टेम हाइट या तो प्लांट टोल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो भैया ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट है, तो ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, गलत, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर बेटा जी क्या गया था? सेकंड गया था, क्लियर है।
तो मैं यहां एक बात बता दूं बच्चों, ये जो मेंडल ने जो कैरेक्टर इस्तेमाल किए थे ना सात, हाँ उन कैरेक्टर को आप एक बार अच्छे से याद रख लेना। कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं अपन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। ये कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली एक जीन है बेटा जी आई, ठीक है जानते हैं आप, उसके लिए कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करो। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब एक चीज बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन आए बायोलॉजी में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा ट्रू है, नोट ट्रू है, नोट करेक्ट है, नोट इनकरेक्ट है, कई बार अपने ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक काम तो बच्चों आप ये किया करो, जैसे ही क्वेश्चन आप देखो रीड करते ही सबसे पहले तो आप ये चेक करो बेटा जी वो रॉन्ग पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। जो भी पूछ रहा है उसको हाईलाइट कर लिया करो। रॉन्ग को मैंने हाईलाइट कर लिया, करेक्ट या जो पूछा उसको हाईलाइट कर लिया, ताकि मेरे माइंड में ये क्लिक रहे कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, रॉन्ग पूछ रहा है आई के रेफरेंस में। तो पहला स्टेटमेंट है एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो बच्चों स्मॉल आई क्या शुगर बनाती है? आपको याद होगा कि जो कैपिटल आई एलील, कैपिटल आई जीन है, ये जीन के बच्चों तीन एलील होते हैं ना, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, जीन एक है बट एलील कितने हैं? तीन। और हमें पता है जहां दो से ज्यादा एलील होते हैं बच्चों उसे आप क्या बोलते हो? मल्टीपल एलील। बिल्कुल सही कहा। तो आई ए अगर है बेटा जी तब तो एंटीजन कौन सा बना? ए बना सर। बी है तो एंटीजन कौन सा बना? बी। और स्मॉल आई है तो ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, स्मॉल आई रेसेसिव, कोई एंटीजन नहीं बनाएगा। तो ये तो कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है देख लो, स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। सर शुगर, अरे जो एंटीजन बन रहे हैं बच्चों, ये जो ए और बी एंटीजन बने हैं ये शुगर ही तो है। ये जो एंटीजन बने हैं ए और बी, ये क्या है? केमिकली शुगर है। कौन सी शुगर? याद रख लोगे? ये शुगर है, इसमें जो मेन शुगर होती है बेटा जी वो गैलेक्टोज होती है। एक एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन मान सकते हो, और एक गैलेक्टोज, गैलेक्टोज याद रखो आप। तो ए अलग शुगर बनाता है, बी से अलग शुगर बनती है, मेन शुगर इनमें कौन सी है? गैलेक्टोज। नाम सुना है? अरे आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं इसको, गैलेक्टोज। बिल्कुल। तो आई कोई शुगर नहीं बनाता, हाँ नहीं बनाता, कोई एंटीजन नहीं बनाता, सही है ये, लेकिन आपसे पूछा तो गलत है ना। दूसरा, द जीन आई हैज थ्री एलील। आई जीन के तीन एलील होते हैं, हाँ ये रहे तीन, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, तीन एलील ही तो है। ए पर्सन वे हैव ओनली टू ऑफ द थ्री एलील। एक इंसान में तीन में से केवल दो ही एलील होंगे। पता है बच्चों, हम डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील मिलेंगे? दो। बताऊं थोड़ी सी बात, एलील होते कहां है? होमोलोगस। एलील कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस पेयर पे जो एलील बैठा है, ये मान लो बेटा जी ये दो एलील बैठे हैं, मान लो ये एलील है आई ए और ये एलील बैठा है पन्ने में आई बी। तो एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं एक बंदे में। इसीलिए तो मल्टीपल एलील की स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते हैं। एक बंदे में सारे एलील पॉसिबल नहीं है, केवल कितने हो सकते हैं? दो। दो ही हो सकते हैं। अरे भाई आप अकेले का ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ थोड़ी हो सकता है। हाँ सर, आपसे पूछे कि भैया आप अपना ब्लड ग्रुप बताओ, तो कोई बोलेगा मेरा तो ए है, उसमें भी कोई ए पॉजिटिव, कोई ए नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव नेगेटिव, अलग अलग होते हैं ना, तो दो ही एलील मिल सकते हैं बच्चों। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फिर एक ही बचा चौथा, when आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये कह रहा है जब आई ए और आई बी एलील एक साथ आएगा तो क्या वो एक जैसी शुगर प्रोड्यूस करेंगे? नहीं।
अगर एक ही शुगर प्रोड्यूस करते, एक जैसी प्रोड्यूस करते, तो बेटा जी ए और बी तो सेम होता, अलग अलग है। हाँ, मेन कंपोनेंट इनमें गैलेक्टोज होता है, लेकिन दूसरा मैं बता रहा हूं ना, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, दोनों शुगर थोड़ी सी डिफर होती है, वो एन एसिटाइल हो जाती है, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट बेटा जी इसका क्या आ गया, रोंग आ गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2021 का क्वेश्चन, ये लो। हां, ये क्रॉस वाले क्वेश्चन है बच्चों। इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं, ये हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्रॉस से का क्वेश्चन आता है कि फादर मदर में दे दिया, कैरियर है कि उनमें डिजीज है, तो आपको बेटा जी प्रोजेनी में उस डिजीज की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, देखो क्या है, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेटरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, दो मेल फीमेल है, पेरेंट्स है, और दोनों ही सिकल सेल एनीमिया डिजीज के लिए हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मन जी है, कैरियर है, तो प्रोजेनी में इस डिजीज के परसेंटेज को निकालो। कर लोगे क्या, मैं बता दूं थोड़ा सा पहले कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये है सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्तता, सिकल सेल, हाँ नीचे हिंदी में भी है देख लियो आप। सिकल सेल एनीमिया की बच्चों जीन कौन से क्रोमोसोम पे होती है, बोलो बोलो, हाँ 11th क्रोमोसोम पे। सिकल सेल की जीन किस पे मिलेगी, 11th क्रोमोसोम पे। और मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये 11वां जो क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम है कि एलोसोम है, बताओ। ऑटोसोम 1 से लेकर 44 और XX और XY एलोसोम, जिनको आप सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हो, हाँ तो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम है, और ऑटोसोम में भी बेटा जी रिसेसिव होता है, डिजीज ऑटोसोम के साथ कैसी है, रिसेसिव, अप्रभावी। सर ऑटोसोम क्यों बोला, क्योंकि बेटा जी इसकी जीन किस पर है, 11th क्रोमोसोम पे, और 11th कैसे होते हैं, ऑटोसोम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको 3 जीनोटाइप लिखा के देता हूं, उससे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मैंने लिखा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, और स्मॉल ए, स्मॉल ए, कुछ भी एबीसीडी कुछ भी लिख देना, बस एक्स वाई मत लिखना, एक्स वाई मत लिखना। क्यों सर, क्योंकि जीन किस पर है, ऑटोसोम पर, एक्स वाई पर नहीं है। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए जो होगा, ये तो बेटा जी होगा नॉर्मल, इसको तो क्या मानना है, नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैरियर, और स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये होगा अफेक्टेड, या तो इनके होगी डिजीज। सर स्मॉल ए, स्मॉल ए को डिजीज क्यों हुई, क्योंकि रिसेसिव है, छोटे अक्षरों वाला, तो ये तो पेशेंट हो गया अफेक्टेड, कैपिटल ए, कैपिटल ए नॉर्मल हो गया, और कैपिटल ए, स्मॉल ए कैरियर हेटेरोजाइगस हो गया। आपको पता है ना बच्चों, हीमोफीलिया में भी सुनते हैं हम, फीमेल जब कैरियर होती है तो क्या उसमें डिजीज होगी, नहीं, कैरियर में डिजीज नहीं होती, बट वो डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, बट खुद में डिजीज नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो ऑटोसोम रिसेसिव है, उसको आप इस 3 जीनोटाइप से सोल्व कर सकते हैं। यहां तो आपसे दिया है सिकल सेल एनीमिया, अगर बच्चों क्वेश्चन में सिकल सेल की जगह फिनाइल कीटोन यूरिया आ जाता तो भी सेम ही पैटर्न फॉलो करते, अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता तब भी आंसर इसी तरह से निकालते, एल्बिनिज्म आ जाता, रंजकहीनता, तब भी यही पैटर्न फॉलो करते। मैंने जो भी नाम लिए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनसीईआरटी का वर्ड है, पढ़ोगे तो पता चलेगा, कुटिये रेशामयता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये सब कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। इन चारों डिजीज को इसी पैटर्न से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगले ने कहा सिकल सेल एनीमिया का दोनों पेरेंट्स बेटा जी क्या है, हेटरोजाइगस है, कर लेंगे अब। हेटरोजाइगस का मतलब ये रहा कैरियर, तो मैंने इधर लिखा मेल, ये फीमेल, दोनों ही हेटरोजाइगस है, तो मैं लिख दूं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए,
हो गया, आप इसके गैमिट बना लो, बनते हैं गैमिट तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके भी दो बन गए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब लो क्वेश्चन तो हो गया सोल्व, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ आता है आपको, मेरे से पहले कर लिया, वेरी गुड डॉक्टर साहब। और ये आ गया स्मॉल ए, हो गया क्वेश्चन तो। अब आपसे पूछा है कि प्रोजेनी में डिजीज रोगी संततियां कितनी होगी, देखो आप योटाबर, अरे इस प्रोजेनी को नॉर्मल मानेंगे ना, इनमें किसी में डिजीज नहीं होगी, बट स्मॉल ए वाला अफेक्टेड होगा, डिजीज होगी, तो कितने परसेंट आया, इतनी मैथ्स तो आती है सर, आंसर आया 25%। कहां है ऑप्शन में 25, ये रहा थर्ड नंबर पे, तो आंसर गया इसका थर्ड। कर लोगे ना, सीधे चार मार्क्स मिल गए, तो मैंने कौन कौन से बताए, सिकल सेल, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, इसी पैटर्न से उनको सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो रे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है 6 क्वेश्चन आपसे, ओहो सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, देखो इसी साल नीट का क्वेश्चन है। एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन कि मेल है कि फीमेल है, छोरा होगा कि छोरी होगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्रोमोसोम कि, जैसे अपनी बात करूं, अपनी कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दो तीन एग्जांपल दे रखे ना, एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स तो फीमेल, एक्स वाई मेल, हाँ मेल और फीमेल, चलो 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 ये कलर देख लेते हैं, ये ले लेते हैं चलो, हाँ। और एक बटन देखा होगा आपने, जेड डब्ल्यू जेड जेड, तीन याद रख लियो, एक्स 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 जीरो, तो एक्स एक्स और एक्स वाई तो ह्यूमन में होता है भाई, एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है, मेल दो टाइप के गैमेट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, तो लाइन आती है ना कि छोरा होगा या छोरी, डिपेंड करता है मां पे कि बापू पे, साइंटिफिकली वी कैन से इट इज करेक्ट टू से, वैज्ञानिक तौर पे कहना सही होगा कि सेक्स ऑफ बेबी, बच्चे का सेक्स मेल है कि फीमेल, वो डिसाइड कौन करेगा, फादर एंड नॉट बाय द मदर, मदर नहीं फादर डिसाइड करता है, क्योंकि फादर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म ह्यूमन, ये जेड डब्ल्यू जेड जेड याद रखियो बेटा जी, बर्ड्स में, पक्षियों में, पक्षियों में फीमेल जेड डब्ल्यू, मेल जेड जेड, तो बर्ड्स में जो एग बनेगा, पक्षी जो अंडे देंगे, वो दो टाइप के होंगे बेटा जी, एक में जेड क्रोमोसोम और दूसरे में डब्ल्यू। एनसीईआरटी की थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछा है, मुर्गी का जब बच्चा होगा, चूजा होगा, वो चूजा होगा कि चूजी होगी, हाँ मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा, इसको डिसाइड बर्ड्स में कौन करता है, तो बर्ड्स में डिसाइड करता है बेटा जी फीमेल, एग डिसाइड करेगा, क्योंकि एग कितने टाइप के बनेंगे, दो। यहां क्वेश्चन ये एक्स जीरो वाला है, एक्स 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 जीरो मेथड के दो एग्जांपल बेटा जी, एक तो आपके सिलेबस में भी दे रखा है कॉकरोच, हाँ इंसेक्ट है, और दूसरा एक ग्रास होपर, टिड्डा, हाँ राम जी के घोड़े जैसा ही, दोनों ही इंसेक्ट है, इनमें बच्चों फीमेल तो एक्स एक्स और मेल कैसा होता है, एक्स जीरो, जीरो है वो, जीरो सर ऐसे कैसे, हाँ बच्चों जो कॉकरोच और ग्रास ऊपर का मेल होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, या यूं कहूं मेल में फीमेल के कंपेयर एक क्रोमोसोम कम होता है, कह सकता हूं ना मैं बात, एक क्रोमोसोम मेल में कम होता है, हाँ पार्शियलिटी है, अब है तो है, जैसे आपने ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है, टर्नर, उसमें फीमेल में एक्स जीरो, एक क्रोमोसोम कम होता है, तो कितने बचे, 45, क्लियर। तो आपसे पूछा है एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें मिलेगा, तो ये रहा एक्स जीरो, एक्स जीरो मिलेगा कॉकरोच में और ग्रास ओपर में, ऑप्शन में कॉकरोच नहीं है तो ग्रास ओपर कर दो, आंसर फोर्थ, बाकी ऑप्शन भी देख लो, बंदरों में अपने जैसा ही होता है एक्स 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 वाई,
ड्रोसोफिला में भी एक्स 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 वाई फ्रूट फ्लाई मॉर्गन वाली, टीएच मॉर्गन ने सारे एक्सपेरिमेंट इसी पे तो किए थे। बर्ड्स में लिख दिया मैंने जेड डब्ल्यू जेड जेड। ओके चले आगे, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ो डॉक्टर साहब, फ्यूचर डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 येलो फिर से क्रॉस वाला 2022 का, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया। अगर ये दोनों डिजीज आए, अभी हमने सिकल सेल एनीमिया वो चार है, सिकल सेल, फिनाइल कीटोन, थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दो कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस, अरे लाल हरा नीला नहीं दिखता, हाँ, और दूसरा हीमोफीलिया जिसमें ब्लड का क्लोट नहीं बनता, अरे वही हीमोफीलिया जो क्वीन विक्टोरिया उस डिजीज के लिए क्या थी, कैरियर थी। सही पकड़े हैं। चलो तो इसे कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया, इन दोनों की जीन किस पर है, एक्स पे। हाँ तो बेटा जी कलर ब्लाइंड को हम कहेंगे एलोसोमल डिजीज, और एलोसोमल में भी कौन सी डिजीज है, एक्स लिंक्ड डिजीज, क्योंकि दोनों की जीन किस पर है, एक्स पे। हाँ सेम हीमोफीलिया, और वो जीनोटाइप भी आप देख लो एक्स एक्स, एक पर जीन आए तो वो रिसेसिव है बेटा जी, तो ये फीमेल क्या होगी, कैरियर, इसमें डिजीज नहीं होगी। दोनों पे जीन आए, अरे भाई आजा, दोनों पे जीन आए तो वो अफेक्टेड होगी, इस फीमेल में डिजीज होगी, और मेल बेचारे के साथ ज्यादती होती है क्योंकि मेल में तो एक ही एक्स है, उस पे जीन आती वो कैरियर नहीं होगा, वो बेटा जी क्या बन जाएगा, अफेक्टेड। हाँ तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, सेम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों को सेम पैटर्न में सोल्व करेंगे अपन। ठीक है तो कह रहा है लिख दो जीनोटाइप, इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल, फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड है, तो बेटा जी तो वो कलर चेंज करते हैं, ये लो इस कलर को कुछ और देखें, ये वाला देख लो, चलो देखते हैं। तो फीमेल दिख रहा ना, और मेल, फीमेल कैसी ली है, कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप ये लिखोगे, अफेक्टेड, कलर ब्लाइंड है, और मेल कैसा लिया है, ए मैन हुज मदर वाज, तो उस मैन से शादी होगी जिसकी मां कलर ब्लाइंड हो। छोटी सी प्यारी सी बात बताऊं, सन में छोरों में एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, छोरों में एक्स होता है क्या, अरे होता है एक्स वाई, तो सन वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो मां से ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के क्वेश्चंस की लाइन है, बेजे में घुसा लेना। बापूजी वाला एक्स क्रोमोसोम, फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, पिताजी का एक्स क्रोमोसोम हमेशा बेटियों में जाएगा, इसीलिए तो बेटियां बापूजी की लाडेसर होती है, होती है अपने से तो 36 का आंकड़ा रखते हो आप, तो फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, मां का एक्स बेटी में भी आएगा, बेटे में भी आएगा। ठीक है तो ये कह रहा है एक ऐसा मेन है, मेल का इसने जीनोटाइप नहीं दिया, जिसकी मां कलर ब्लाइंड थी, तो देख लो बेटा जी ये मेल, ये मान लो इसकी मां है, इसकी मां क्या है, कलर ब्लाइंड, तो इस मेल का जीनोटाइप एक्स वाई, तो इस मेल का एक्स कहां से आएगा, हमेशा मां से, क्योंकि पिताजी वाला एक्स तो कौन लेके चली गई, बेटियां, तो ये एक्स आया मां से, और मां कैसी है, कलर ब्लाइंड, तो बेटा जी एक्स मां से आया तो ये एक्स ऐसा आया, मां से आएगा तो ये आएगा ना, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, कर लो सोल्व, बना लो गैमेट, इसका एक ही गैमेट बना लू मैं, कॉमन ले लू ये, इसके दो बना लो मैं, सीधा ही क्रॉस करके लिख रहा हूं, तो एक कंडीशन तो ये बन गई और दूसरी बेटा जी ये बन गई, ये दो प्रोजेनी आ गई, छोरा कलर ब्लाइंड होगा, छोरी भी कलर ब्लाइंड होगी, अरे डॉटर कलर ब्लाइंड, और सन भी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो आपसे पूछा क्या है, कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो इनकी संतानों में कलर ब्लाइंड होने के चांस कितने होंगे, अरे जो भी होगी सब कलर ब्लाइंड होंगे, मतलब आंसर क्या जाएगा, 100% सारे कलर ब्लाइंड होंगे, सारे कलर ब्लाइंड होंगे। तो इस क्वेश्चन से
दो बातें सीखो, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों की इनहेरिटेंस सेम है, दोनों में आप ये कंडीशन लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन देख लियो, ये लेके सोल्व कर सकते हो। दूसरा फादर का एक्स हमेशा डॉटर में और मां का एक्स सन में भी और डॉटर में भी, क्लियर कर लेना भैया भेजे में। चलें आगे, चलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आहा, 2022 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा, मैथ्स लग रही है क्या? जीन मैप वाला क्वेश्चन है, जीन मैप वाला क्या पूछा है देख लो। आपको बच्चों जीन मैप, मॉर्गन का एक चेला था ना स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टटमेंट, हाँ उन्होंने ये मेथड तैयार की थी। इससे हम ये बता सकते हैं कि आपको पता ना जीन बेटा जी किस पर बैठे होते हैं, क्या पूछ रहे हो सर, जीन तो क्रोमोसोम पर होते हैं, बिल्कुल सही कहा। कौन सा जीन क्रोमोसोम पर कहां है, क्यों मामला टाइट हुआ? अरे उसी के लिए तो जीन मैप दिए थे कि कौन सा जीन क्रोमोसोम पे कहां है और दो जीन के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये सब हम इससे देख लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड सी इज 5%। आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं बेटा जी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बोर्ड पर एक क्रोमोसोम बना लो। सर आपने तो लाइन खींच दी, मान लो लाइन ही क्रोमोसोम है, मान लो क्या जाता है, तो ये मैंने एक लाइन डाल दी बेटा जी, ठीक है ये क्रोमोसोम है। अब जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिए हैं उनको एडजस्ट करो और उनमें भी सबसे पहले बच्चों जो मैक्सिमम परसेंटेज है उसको लिखो, मैक्सिमम परसेंटेज। जैसे आप देखो ए टू सी 5 है, बी से सी 15 है, बी डी 9 है, ये रहा 29 वाला। ए और डी के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, 29। तो आप इनमें से, मैं बच्चों बेटा जी मान लो, मान लिया मैंने यहां ए है और मान लो मैंने यहां मान लिया डी है, ए और डी, और यहां से यहां की जो परसेंटेज है, परसेंटेज जितनी होती है वही रिकॉम्बिनेशन, वही डिस्टेंस होती है, तो ये कितनी है 29 दिया ना क्वेश्चन में, 29%। आपको पता ना जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी डिस्टेंस होगी सेंटीमॉर्गन में, हाँ। अब दूसरा कोई उठाओ, ये उठा लो, ए एंड बी इज 20, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20। अब बच्चों ए तो आपने यहां मान लिया, अब मुझे नहीं पता बी कहां है, हो सकता है बी यहां हो, क्रोमोसोम थोड़ा और बढ़ा ले, बी किधर भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, अब हमें नहीं पता, हो सकता है बी इधर हो, अभी हम देखेंगे किधर है, हो सकता है बी इधर हो, किधर भी हो सकता है, इधर हो या तो बी इधर हो, हाँ ठीक है, लेकिन ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमेशा 20% होगी। अगला देख लो, ये रहा बी एंड डी इज 9%, बी और डी के बीच में डिस्टेंस 9, तो बच्चों अगर बी यहां होगा तो देखना बी और डी के बीच में क्या 9% डिस्टेंस रही, नहीं 9 तो नहीं रही, ज्यादा होगी, अरे 29 तो इतनी होगी, ये तो ज्यादा होगी, तो बी यहां नहीं आएगा, बी यही होगा। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई है इन्होंने बताई है 20, तो बेटा जी बी और डी के बीच में ऑटोमेटिकली कितनी रह गई 9, क्योंकि ये टोटल कितनी है 29। तो सारे डेटा प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए तब जाके सही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 29 वाला भी हो गया, 29 वाला भी हो गया। अब है ए और सी के बीच में 5%, ये रहा ए, तो हो सकता है सी इधर हो, हो सकता है सी इधर हो, हमें नहीं पता, जिधर भी हो डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए, देख लो एक और कोई डेटा, ये बचा सी और डी 24%। तो बच्चों अगर सी इधर आएगा तो क्या सी और डी के बीच 24% की डिस्टेंस रहेगी, रहेगी, क्योंकि ए और सी कितना है 5 और ए और डी कितना है 29, तो सी और डी के बीच कितना बच गया 24 बच गया। अगर मैं सी यहां मान लेता तो बेटा जी सी और डी के बीच में तो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन में जो दे रखे हैं मेजरमेंट वो सब एडजस्ट होने चाहिए, फिर जाके आंसर निकलता है। तो अब अपना आंसर आ जाएगा ए यहां है, फिर ए के बाद में कौन है सी, फिर है बी और फिर डी इसी सीक्वेंस में, तो इस क्रोमोसोम पे जीन का अरेंजमेंट ए सी बी डी, ठीक है। तो ढूंढ लो बच्चों आंसर कहां है,
ए सी बी डी, अरे पहला ही आ गया ए सी बी डी। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूं डी बी सी ए, वो भी करेक्ट है। या तो ऐसे पढ़ लो ए सी बी डी या डी बी सी ए, कोई भी एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिखा है ए सी बी डी, तो आंसर दे दूंगा मैं कौन सा, फर्स्ट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। ओहो नीट 2022 का 2020 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें सही मैच को ढूंढना है, सेलेक्ट करना है। पहला है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या बेटा जी, एक्स लिंक्ड होता है? आप ही बताएंगे मुझे, थैलेसेमिया क्या एक्स लिंक्ड होता है? बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं सर, थैलेसेमिया की जीन तो कहां है? बोलो क्या हो गया। हाँ थैलेसेमिया की जीन तो कौन से क्रोमोसोम पर है? 11th पे है। हाँ 16 पे भी है, दोनों पे है। और 11वां और 16वां क्रोमोसोम तो बेटा जी ऑटोसोम होता है, वो एलोसोम या एक्स लिंक्ड नहीं है। तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। दूसरा, हीमोफीलिया की जीन क्या वाई पर होती है? नहीं, अभी तो बता रहे थे आपको कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों की जीन किस पर होती है? एक्स लिंक्ड होती है। तो ये भी इनकरेक्ट। फिनाइल कीटोन यूरिया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या? फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन किस पर होती है? 12th क्रोमोसोम पे। इन दो चार डिजीज की तो जीन याद रखनी है बच्चों आपको, कि थैलेसेमिया की तो 11th और 16 पे, हीमोफीलिया की एक्स पे, फिनाइल कीटोन यूरिया की कौन से क्रोमोसोम पे? 12th क्रोमोसोम। और 12th है तो कौन सा है? ऑटोसोमल। सही कर दें, रुक जाओ, ऑटोसोम के आगे क्या लिखा है? डोमिनेंट, प्रभावी। ये प्रभावी नहीं होता, ये ऑटोसोम के साथ कैसा होता है? रिसेसिव होता है। अभी तो बताया था पीछे, सिकल सेल, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो सर वो डोमिनेंट भी है क्या? हाँ, अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हाँ, पेडिग्री वाला डायग्राम, मायोटोनिक, मायो का मतलब मसल्स, डिस्ट्रोफिन, मसल्स वीक हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और वो डिसऑर्डर ऑटोसोम के साथ साथ डोमिनेंट है। जबकि ये जो चार नाम हम बार बार बोल रहे हैं वो ऑटोसोम रिसेसिव है। तो ये गलत हुआ इस डोमिनेंट की वजह से। ऑटोसोम तो ठीक है लेकिन डोमिनेंट की वजह से गलत हो गया। फिर तो एक ही बचा बेटा जी, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। हाँ ऑटोसोम तो है और साथ में क्या है? रिसेसिव। फटाफट बोल दूं मैं आपको, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन यूरिया, ये चारों ही भेजे में घुसा लेना, चारों के चारों ऑटोसोमल रिसेसिव है। और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो सर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वो बेटा जी एक्स लिंक्ड है, एलोसोमल है, हां वो भी रिसेसिव है। तो डोमिनेंट तो यही आया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डी से डिस्ट्रोफी और डी से डोमिनेंट, कर लो एडजस्ट। चले तो आंसर फोर्थ आ गया, करेक्ट मैच तो फोर्थ ही है बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन, फिर लो क्रॉस का क्वेश्चन आया। अब फटाफट, ज्यादा कुछ नहीं, सीधा सोल्व कर दो। इन ए क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ, ये तो वही आ गया लगता है, सिकल सेल वाला, ठीक है अभी किया था सोल्व, कोई रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके कर लेना, वही 25 वाला ही है ना, हेट्रोजाइगस अभी ऊपर आ गया था बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। ये एग्जाम का नहीं है, ये क्वेश्चन अपन ने फ्रेम कर रखे नीट ओरिएंटेड एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन से, आईक्यू बेस्ड, हाँ दिमाग लगेगा थोड़ा, करते हैं सॉल्व। देखो, ए हेटरोजाइगस पी प्लांट फॉर पोड शेप एंड पोड कलर वाज सेल्फ पोलिनेटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद इनफ्लेटेड 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 पोड शेप इन रिजल्ट जनरेशन। ये कह रहा है कि एक प्लांट है बच्चों जिसमें दो कैरेक्टर आपने लिए हैं, पोड शेप और पोड कलर,
फली की आकृति और फली का रंग, दो कैरेक्टर हो गए ना। और जब आप दो कैरेक्टर यूज करते हो बेटा जी, तो वो क्रॉस कौन सा बन जाता है? बिल्कुल सही सोचा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड बन जाता है। अब सेल्फ पोलिनेटेड करवाया, सेल्फ का मतलब सेम सेल्फिंग है, सेल्फ पोलिनेशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद इन्फ्लेटेड पोड शेप। अब ये देखो बच्चों, इन्फ्लेटेड पोड शेप, फूली हुई है ना, फूले हुए आकार। तो आपको पता है बच्चों, पोड शेप फली के आकार के दो ट्रेट थे, फूली हुई, इन्फ्लेटेड और पिचकी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो डोमिनेंट कौन है? अरे मटर की फली देखिए ना, फुलेड़ी, तो बात तो डोमिनेंट ही होती, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव होगी, तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो पूछा है इन्फ्लेटेड, ये एक साथ है इन्फ्लेटेड, ये कैसा कैरेक्टर आपसे पूछ रहा है? डोमिनेंट। तो इस जनरेशन में उस फूली हुई फली वाला जनरेशन के परसेंटेज आपसे पूछा है। तो बच्चों देखो, लग रहा है आपको कि ये क्या क्वेश्चन है, इसको एकदम इजी तरीके से सोल्व करें। कैसा क्रॉस है? दो कैरेक्टर, तो डाईहाइब्रिड। अब आप सीधा सा याद रखो बच्चों, डाईहाइब्रिड का मतलब, एक डाईहाइब्रिड का मतलब कितने मोनोहाइब्रिड? दो। अरे भैया मोनोहाइब्रिड में कितना कैरेक्टर यूज करते हो? एक। यहां मैंने कितने किए? दो। तो दो मोनोहाइब्रिड बराबर एक डाईहाइब्रिड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाईहाइब्रिड का क्वेश्चन हो, उसे आप कन्वर्ट कर लो मोनोहाइब्रिड में, बिल्कुल सीधा सा। तो देख लो, दो कैरेक्टर है, एक पोड शेप है, दूसरा पोड कलर है, पोड शेप है, पोड कलर है। तो एक मोनोहाइब्रिड ये बन गया, एक मोनोहाइब्रिड ये बन गया। तो आपसे पूछा क्या है? इन्फ्लेटेड पोड शेप। बच्चों आपसे जीनोटाइप पूछा कि फिनोटाइप पूछा है? आधे तो यही कंफ्यूज रहते हैं। अरे मैंने जीन लिख दिए तो जीनोटाइप हो गया, मैंने लिखा कैपिटल टी जीन है, जीनोटाइप, स्मॉल टी जीनोटाइप, मैंने पूछा राउंड सीड गोल फिनोटाइप, दिखने वाले कैरेक्टर, मैंने पूछा फूली भी फली, हाँ फला फूलो, फूली भी फली, इन्फ्लेटेड फिनोटाइप, कैपिटल आर लिख देता जीनोटाइप, जीन लिखूं तो जीनोटाइप, नहीं तो फिनोटाइप। तो आपसे अगला पूछ क्या रहा है? इन्फ्लेटेड पोड, मतलब पूछा है इसने फिनोटाइप, फिनोटाइप पूछा है। तो मेरे पास दो मोनोहाइब्रिड बन गए, पोड शेप और पोड कलर। और फिनोटाइप जब आप करते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, तो फिनोटाइप रेशियो हमेशा 3:1 आता है, 3:1 आता है। अरे मोनोहाइब्रिड का तो यही आएगा ना, 3:1। सर मोनोहाइब्रिड क्यों? क्योंकि मैंने एक डाईहाइब्रिड से दो मोनोहाइब्रिड बना लिए। अब इन्फ्लेटेड पोड शेप पूछा, ये रहा पोड शेप। हाँ अरे टोल ड्वार्फ वाला कर लो ना, जब प्लांट टोल और ड्वार्फ रहते हैं तो 3:1 ही तो आता है, लंबा बोना पादप। तीन बेटा जी कौन से होंगे? टोल। एक अकेला कैसा होगा? ड्वार्फ। तो टोल जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो 75% आया, और रिसेसिव कैरेक्टर 25% आया, सीधा ही हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पूछा है इन्फ्लेटेड पोड शेप, फूली हुई फली कैसा करेक्टर है? डोमिनेंट। डोमिनेंट है तो कितना है? तीन। तीन बोले तो परसेंट में कितना बताऊंगा? 75%। और बचा हुआ एक पिचकी हुई फली आएगी 25%। अगर मैं पोड कलर की बात करूं तो पोड कलर में डोमिनेंट बच्चों बोलो येलो, डुक के खाओगे, पोड कलर में डोमिनेंट कैसा होगा? येलो की ग्रीन। बताओ सीड कलर और पोड कलर, सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा होता है? येलो। पोड कलर में ग्रीन। तो भैया जो पोड कलर है वो ग्रीन तो क्या होगी? डोमिनेंट। और ये कैसा होगा? येलो होगा, रिसेसिव। जो डोमिनेंट है वो हमेशा 75, 3:1। तो क्वेश्चन को मोनोहाइब्रिड में कन्वर्ट करो और झट से आंसर निकाल दो। तो आपसे डोमिनेंट पूछा है तो डोमिनेंट 75% थर्ड आएगा। फिर भी लगे नहीं सर हम तो सोल्व करेंगे, तो भैया इसको डाईहाइब्रिड बना के, वो पूरे 16 डब्बे बना के, बॉक्स बना के सोल्व कर लेना, और जब उसमें काउंटिंग करोगे तो आपको यही दिखेंगे 75%। पोड शेप कैसी दिखेगी? इन्फ्लेटेड। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, मोनोहाइब्रिड में कन्वर्ट करके झट से आंसर निकाले। चले आगे। हाँ अगर यहां इन्फ्लेटेड की बजाय मैं कॉन्स्ट्रिक्टेड पूछ लेता, पिचकी भी फली पूछ लेता, तो रिसेसिव है, और रिसेसिव कितना? 25। अगर मैं येलो कलर का पोड पूछ लेता, येलो पोड कलर, ये रहा येलो,
रिसेसिव है 25, ग्रीन पोड पूछ लेता तो 75 डोमिनेंट है, ज्यादा ही आएगा। ठीक है, करना प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये लो फिर हीमोफीलिया का क्वेश्चन है, करो आप ही फटाफट सोल्व। इफ ए नॉर्मल मैन मैरीज ए हीमोफिलिक वुमन, वैसे तो हीमोफिलिक वुमन बेटा जी रेयरली होती है, बट दे दिया क्वेश्चन में तो अपन देखते हैं। मेल है नॉर्मल, तो नॉर्मल मेल का मैं जीनोटाइप क्या लिख दूं, एक्स वाई। फीमेल कैसी है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक का मतलब दोनों पे जीन आएगी, रेयरली होती है ये, है ना, लेकिन है। क्वेश्चन तो कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग सोल्व। तो आपसे पूछा सन में हीमोफिलिक सन होने की प्रोबेबिलिटी, बेटों में कितने बेटों में हीमोफीलिया होगी। बिल्कुल यहां से दिमाग लगा लो कि बेटों में जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो कहां से आ रहा है, पापा से नहीं, मम्मा से। हाँ देखो फिर, तो सीधा कर लूं, इसका गैमेट एक कॉमन ले लो, अब सीधा ही क्रॉस कर रहा हूं बेटा जी, ये लो एक्स और एक्स और ये लो, तो जो डॉटर आएगी वो क्या हीमोफिलिक होगी, नहीं सर वो तो कैरियर होगी, और जो सन आएंगे वो सारे के सारे हीमोफिलिक। तो आपसे सन ही तो पूछा है कितने पुत्र हीमोफिलिक होंगे, तो बेटा जी बड़े ही दुख की बात है कि सारे से सारे के सारे पुत्र हीमोफिलिक होंगे, बोले तो 100% कोई भी बेटा नॉर्मल नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कितनी बेटियां हीमोफिलिक होगी, तो हम कहते एक भी बेटी हीमोफिलिक नहीं होगी, सारी की सारी बेटियां कैरियर होगी। क्लियर कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी आप लोगों के लिए लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बड़ा दिख रहा है, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो सेगमेंट है थोड़े, देखो थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। अब देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट लाए हूं आप लोगों के लिए, मेन मेन उठा के ढूंढ के जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको बच्चों इनके स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़कर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो करेक्ट है वही। पहला, ड्रोन ऑफ हनी बी प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस। अच्छा स्टेटमेंट, हनी बी मधुमक्खी के जो ड्रोन है बेटा जी, ड्रोन समझते हो ना आप, ड्रोन, अरे हनी बी में एक ड्रोन मेल को बोलते हैं, रानी मक्खी क्वीन होती है और बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं, तो जो ड्रोन है वो एक तरह से किसको बोला गया, मेल हनी बी, नर मधुमक्खी ड्रोन कहलाती है। वो स्पर्म बनाएगा मियोसिस से। नॉर्मली अपने को देखते हैं ना बच्चों की भाई, जब मेल में गैमेट बनता है स्पर्म, फीमेल जब ओवम बनाती है गैमेट, तो गैमेट बनाते टाइम कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, तभी तो गैमेट में क्रोमोसोम की नंबर बाकी सोमेटिक सेल से हाफ होती है, अपने में 23। यहां समझो इस चीज को, इतना इजी नहीं है कि जो हनीबी का मेल है वो क्या स्पर्म मियोसिस से बनाएगा। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं बेटा जी, पीछे ही आते हैं, एनसीईआरटी का एक पूरा पैराग्राफ है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी, उसमें दे रखा है कि जो क्वीन होती है ना हनीबी की, क्वीन डिप्लोइड होती है और उसमें क्रोमोसोम होते हैं 32, अरे 46 तो आप में होते हैं, इनकी क्वीन हनीबी की बात कर रहा हूं। अब क्वीन ने ओवम बनाए और ओवम बना हैप्लोइड जिसमें क्रोमोसोम है 16, ओवम ओजेनेसिस से ओवम बना। अब बच्चों जो ओवम है वो डायरेक्ट मेल बनाता है, ये बात भी समझिए आप, जो ओवम है वो सीधा मेल बना देगा, सीधा का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, और आप पढ़ते भी हो सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे कनेक्ट कर लूं, बिना फर्टिलाइजेशन के बनना, ठीक पहचाना, पार्थेनो जेनेसिस, अनिषेक जनन, अनिषेक बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया मेल, बन गया सर। अब ये जो मेल है बच्चों हैप्लोइड होंगे और इनमें क्रोमोसोम 16 होंगे, अरे क्यों, क्योंकि ओवम से बने हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, तो जितने क्रोमोसोम ओवम में थे उतने ही यहां रह गए। अब ये मेल आगे फ्यूचर में स्पर्म बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे, तो जब मेल स्पर्म बनाएगा तो ध्यान से सोचना बेटा जी, अगर ये मेल स्पर्म बनाए और मियोसिस से बनाए, तो ये जो स्पर्म बनेंगे उसमें क्रोमोसोम तो 8 हो जाएंगे, मियोसिस होगा तो इसके भी आधे रह गए 8, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब मेल स्पर्म बनाता है तो मियोसिस नहीं,
माइटोसिस से बनाता है, याद रखना। हनीबी का मेल स्पर्म या गेमिट बनाते टाइम कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस। इसलिए स्पर्म में क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 60। जितने मेल में क्रोमोसोम है उतने स्पर्म में है, जबकि ह्यूमन में मेल में तो 46 बट स्पर्म हैप्लोइड सेल में 23। बट यहां को कौन से डिवीजन से बनेंगे? माइटोसिस। क्लियर? तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही हुआ कि गलत? ड्रोन ऑफ हनीबी प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, गलत हो गया सर, मियोसिस से नहीं, वो तो माइटोसिस से बनाएगा। अगला स्टेटमेंट, पर्संस विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर मेल में 44XXY, जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, वही तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आर स्टेराइल मेल्स, वो स्टेराइल मेल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल ही तो होते हैं। ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड सम फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल होता है वैसे तो मस्कुलाइन होता है, बट उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है तो कुछ फीमेनाइन फीमेल जैसे कैरेक्टर भी आ जाते हैं, और वो फर्टाइल नहीं, वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब वो बंदे होता है, वो आगे गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सही है। अगला दिया है टर्नर सिंड्रोम्स अराइज ड्यू टू मोनोजोमी। टर्नर सिंड्रोम बेटा जी मोनोजोमी की वजह से होता है। अरे टर्नर फीमेल में टर्नर का जीनोटाइप क्या लिखते हो? 44+X0, 0 का मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम। एनयूप्लोइडी, सही। एनयूप्लोइडी में भी कौन? मोनोजोमी। मोनोजोमी का मतलब 2n-1, एक। मोनो का मतलब एक, एक क्रोमोसोम कम होना मोनोजोमी। तो बच्चों इस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम क्या है? कम है। कम का मतलब इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 45। ये कम हो गया ना, कम हो गया तो किसका एग्जांपल? मोनोसोमी। जबकि क्लाइन फिल्टर में एक एक्स बढ़ गया, 44+XXY, वहां टोटल कितने हो गए? 47 हो गए, और वो बेटा जी मोनोजोमी नहीं, वो ट्राइजोमी है, 2n+1, वहां एक ज्यादा होता है, मोनोजोमी में एक कम होता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सी सही है, मोनोजोमी की वजह से आता है। तो देख लो, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, दूसरा सही हुआ, और तीसरा भी सही हुआ। तो बी और सी सही है। ओनली पहला, ओनली ए इज करेक्ट गलत हो गया, ओनली सी इज करेक्ट गलत हो गया, पहला फोर्थ आ जाएगा, ओनली ए इज इन करेक्ट, केवल ए गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, मेन द कॉलम कर लो, फटाफट कर लो। देखिए डाउन सिंड्रोम, डाउन कौन सा क्रोमोसोम बढ़ेगा? 21 बढ़ेगा। तो डाउन सिंड्रोम को मैच कर दूं मैं ट्राइजोमी ऑफ 21st, 21वां एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसमें भी टोटल क्रोमोसोम तो 47 बढ़ रहा है, तो ट्राइजोमी। क्लाइन फिल्टर ये रहा 44+XXY, इसमें भी टोटल क्रोमोसोम 47। टर्नर में ये रहा 44+X0, इसमें एक क्रोमोसोम कम 45। फिनाइल कीटोन यूरिया अभी बताया था, ऑटोसोमल कैसा है? रिसेसिव। मिला लो कौन किस में जा रहा है, बस आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी, ये फिर से वैसा ही है। अभी अपन जो एग्जाम वाला क्वेश्चन करके आए थे, प्रैक्टिस के लिए एक और कर लो। आपको क्रोमोसोम पर जीन के बीच की डिस्टेंस बता रखी है, तो आपको उन जीन की सीक्वेंस बेटा जी निकालनी है। तो तरीका वही है, सबसे पहले एक क्रोमोसोम बना लो, इस क्रोमोसोम पे जीन को एडजस्ट करो। सबसे पहले जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है वो लिखो। यहां देख लो बच्चों, बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 28। मैंने यहां बी लिख दिया, यहां मैंने सी लिख दिया, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच? 28। फिर देख लो ए और बी के बीच 25 मान सकते हैं, हो सकता है ए इधर हो, हमें नहीं पता, हो सकता है ए यहां कहां हो, कहीं भी हो सकता है, बट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 25 आनी चाहिए। तीसरा डेटा और देख लो, ए और सी के बीच कितनी आनी चाहिए? 3%। तो अगर बच्चों ए यहां होगा तो ए और सी के बीच में 3% पॉसिबल नहीं है, तो ए यहां नहीं है, ए यहां होगा। तो बी और ए के बीच की डिस्टेंस है 25, तो ए और सी के बीच अपने आप कितनी बच गई? 3%, और टोटल बी और सी के पास 28। तो अब आप सीक्वेंस निकाल सकते हो बी ए सी,
या सी ए बी, जो ऑप्शन है वो देख लो। तो पहले आ रहा है बी ए सी, एक ही मिलेगा आपको, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ नीट में आया भी था इस बार। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पेडिग्री के कुछ सिंबल दिखाए हैं बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल देख रखे ना, वो सिंबल से ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कौन सा सिंबल इनकरेक्टली मैच है, सही तरीके से जिसको मैच नहीं किया। पहला अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड मेल, ठीक है, ये डब्बा जो आता है ना बेटा जी, ऐसा डब्बा है वो अनअफेक्टेड मेल ही होता है। अगर मैं इस बॉक्स को, स्क्वायर को डार्क कर दूं तो वो तो अफेक्टेड हो जाएगा ना। ये गोला है तो अनअफेक्टेड फीमेल है, इसको डार्क कर दें तो वो अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला बॉक्स अनअफेक्टेड मेल है, बिल्कुल, अफेक्टेड फीमेल है, बिल्कुल, डार्क कर दिया तो अफेक्टेड होगी, डार्क है तो अफेक्टेड हो जाएगा बेटा जी। ये वाला, हाँ अगर ये ऐसा सिंबल देखो आप तो मेरिज विवाह है, मेल फीमेल के बीच में इस लाइन से जोड़ दें तो मेरी इसको दिखाएगा। अगर इसको दो लाइन से जोड़ देते हो, ये वाला मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव में मेटिंग, निकट रिश्तेदार में शादी, बेटा जी उसके लिए दो लाइन जोड़ के दिखा देते हैं, तो सही है ये सिंबल भी। फोर्थ देखो, सेक्स स्पेसिफाइड, अगर ये ऐसा, ये काजू कतली आप देख पा रहे हैं बेटा जी उस शेप में, अगर ये दे रखा हो तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, हमें नहीं पता, लिंग अभी तक अज्ञात है, मतलब स्पेसिफाइड नहीं, यहां आना चाहिए था अनस्पेसिफाइड, ये इनकरेक्ट मैच हो गया फोर्थ, बाकी तीनों करेक्टली मैच है, क्लियर है भैया। चलो भविष्य के चिकित्सकों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको सोल्व करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ कथनों को देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हिंदी वाले भी देखते रहें। पहला है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये कुछ डिजीज के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछा है, हाँ फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज के बारे में करेक्ट कितने हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज से रिलेटेड इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बच्चों इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये उपापचय की जन्मजात त्रुटि है, इनबोर्न है, बिल्कुल बाई बर्थ होती है, जन्म के साथ होती है, और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से होती है। मेटाबॉलिज्म बच्चों एक एमिनो एसिड होता है अपनी बॉडी में, एक अपनी बॉडी में एमिनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, हाँ इसेंशियल एमिनो एसिड है वही, जिसका जेनेटिक कोड यू 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 है, हाँ फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में, इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है, ये टायरोसिन आगे मिलेनिन बना देता है, वही मिलेनिन जो आपकी स्किन का पिगमेंट है, सही। तो बाई बर्थ होता है, बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से होता है, सही बात है, एमाइनो एसिड एंजाइम। इनहेरिटेड इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अभी तो बताया था फिनाइल कीटोन की जीन किस पर है, 12वें क्रोमोसोम पे, 12वें का मतलब ऑटोसोमल, कैसा है रिसेसिव, ठीक है। तीसरा रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, बाल और त्वचा के वर्णकता पर असर पड़ता है, कैसे, अभी बताया था ना बेटा जी फिनाइल एलानिन से क्या बनेगा टायरोसिन, और टायरोसिन आगे किसमें कन्वर्ट होगा मेलानिन, मेलानिन आपकी स्किन का पिगमेंट है, वर्णक है। तो अगर यहां वाला एंजाइम ही नहीं रहा तो न तो टायरोसिन बनेगा और न ही आगे मेलानिन बनेगा, और बिना मेलानिन के अपनी स्किन के पिगमेंट पर असर पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ सही। अगला कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, इसमें मानसिक विमंदता होती है क्या, तो जब एजिशडी का पूरा पैराग्राफ ये पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है बच्चों कि जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो अपनी बॉडी में फिनाइल एलानिन की अमाउंट बढ़ेगी, क्योंकि टायरोसिन में नहीं बदल रहा, वो एंजाइम नहीं है। ये फिनाइल एलानिन आगे एक एसिड बनाता है फिनाइल पाइरुविक एसिड, एसिड और उसके डेरिवेटिव बेटा जी कई बार ब्रेन में जाके डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे जो मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विमंदता, ब्रेन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, सही है ये स्टेटमेंट भी। इसके लिए जीन फाउंड ऑन 11th क्रोमोसोम, इसकी जीन 11वें क्रोमोसोम पे होती है क्या, नहीं सर, इसकी जीन तो
बारहवें पे होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए गलत हो गया। अब आपसे पूछा फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए कितने इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, कितने सही? चार। चार किसमें दे रखा है? थर्ड में। क्लियर कर लेंगे? हाँ, हिंदी में भी देख लो, देखना चाहो तो। ये रहा, वैसे तो समझ जाओगे, सिंपल लैंग्वेज है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड वाला आ गया, फटाफट सोल्व करो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बता दिया मैंने। ए नॉर्मल विजन मैन, नॉर्मल विजन, ऐसा मेल जिसकी आंखें सही है, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो फादर से असर पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि फादर का एक्स तो किस में जा रहा है? डॉटर में, मेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैरिज ए वुमन हुज फादर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, ऐसी वुमन से, ऐसी महिला से शादी करता है जिसके पिताजी भी कलर ब्लाइंड थे, तो मेल का जीनोटाइप तो ये आ गया, फीमेल का क्या आएगा? फीमेल के पिता भी कलर ब्लाइंड थे, मतलब फीमेल के फादर का जीनोटाइप ये है, तो फादर का एक्स तो बेटी में आएगा ना, तो ये फादर वाला एक्स यहां आया, तो ये फीमेल कैसी हो गई? कैरियर। ये चीजें समझ जाइए बच्चों, बार बार नहीं बतानी, डायरेक्ट रखो, पुट करो, सोल्व करो। तो मेल ये हो गया और फीमेल का ये जीनोटाइप आ गया। देयर फर्स्ट चाइल्ड इज ए डॉटर, मान ले इनकी पहली संतान एक डॉटर है, एक बच्ची है, तो उसके कलर ब्लाइंड होने के चांस बताओ। यहीं से दिख रहा है क्या, बेटियों में कभी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन वो तब होगा ना जब फादर कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि फादर का एक्स तो बच्चियों में जाता है। तो यहां देख लो, ये मान लो बच्ची हुई एक्स एक्स, या ये बेटी हुई बेटा जी एक्स एक्स डॉट, इनमें से कोई भी हो वो कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो यहां आंसर अपन देंगे 0%, कोई भी बेटी कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्लियर है? तो किसी भी डॉटर में बेटा जी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, क्योंकि डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस तब होगी जब फादर भी कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि फादर का एक्स तो हमेशा डॉटर में। तो ये बेटा जी अपन ने जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी ओरिएंटेड, कुछ नीट बेस्ट क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को जेनेटिक्स के काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इसी सीक्वेंस में बेटा जी मैं अगला एक और लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें इसी के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम एक साथ सोल्व करेंगे। आप बने रहें, जुड़े रहें अपने मयंक सर के साथ। मिलता हूं आपके अगले एक और लेक्चर में, तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।